नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की, शॉर्ट में इसको मनरेगा बोल दिया जाता है। 2005 में ये स्कीम शुरू हुई थी या कानून बना था। तो गांव में कैसे रोजगार पैदा करना है, तो उसके लिए ये स्कीम थी। तो ये एक एटीएम स्कीम है जिसमें एनुअल एक्शन प्लान ए के लिए कि आपको एक स्पेशल ग्राम सभा बुलानी होती है, तो उसमें आपको मता पास करना होता है कि कौन से काम अगले वित्तीय साल में, वित्तीय साल होता है फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अगले साल के लिए क्या क्या काम करना है। टाइमली एक्टिविटी, इसकी टाइमलाइन है कि ये गांव लेवल पे जो मता है वो 30 नवंबर को पास होना है, और बाकी की जो तरीके हैं वो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें शेयर किया है। और एम इज फॉर मॉनिटरिंग, कि आपको मॉनिटर करना है कि वो टाइम पे एक्टिविटी हो रही है, सब कुछ जो है कार्रवाई जैसे गाइडलाइंस है उसके हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। आगे भी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी कि गाँव से चला गया है, क्या ब्लॉक से आगे गया है, जिले से आगे गया है, वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मनरेगा के बारे में कई सारे वहम टाइप पाल रखे हैं, कई सारे जो है असमंजस है इसमें, कि खेती के लिए ये नहीं है, मजदूरों को खेती से निकालने वाली स्कीम है वगैरह वगैरह। तो 60% जो मनरेगा के फंड है, टोटल 260 काम है, तो उसमें जितने फंड आते हैं वो सारे के सारे 60% फंड जो है उसमें से वो सिर्फ खेती के कामों के लिए है। तो बहुत सारे जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, वो सब लोग यही कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती पे जो काम करते हैं एक्टिविस्ट हैं, कि सरकार कोई स्कीम नहीं बनाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो तो स्कीम चाहिए होती है, जो भी डिमांड करता है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उसके लिए मजदूर चाहिए, कि मजदूर हमें दे दो तब वो खेती होगी। लेकिन ऑर्गेनिक खेती में जैसे ICR ने भी अभी कुछ पिछले कुछ सालों में वो पेपर छापे हैं, रिपोर्ट छापी हैं, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा काम हुआ है इस पे, तेलंगाना में, कि ऑर्गेनिक खेती में जो पैदावार होती है वो कम नहीं होती है, पैदावार उतनी रहती है, बशर्ते कि आप उसको ढंग से प्रॉपर जो खाद खुराक है उसको देंगे, तो वो जो है पैदावार उसमें कम नहीं होती है। ये एक वहम है, जैसे मनरेगा का वहम है ऐसे ऑर्गेनिक का भी वहम है। और सरकारी अगर स्कीम की बात कीजिए तो मनरेगा सबसे बड़ी स्कीम है जो ऑर्गेनिक खेती के लिए है, इससे बड़ी और कोई स्कीम जिसमें 100% ग्रांट मिलती है। लेकिन वो काम कैसे करती है वो हमें पता होना चाहिए, वो मजदूरी के लिए नहीं है। तो बहुत से किसानों को ये वहम होता है कि जो मनरेगा की स्कीम है उसमें किसान को दिहाड़ी मिलनी चाहिए, खुद काम करता है, ऐसा नहीं है। मनरेगा जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये ऐसी स्कीम है जिसमें हम बुनियादी ढांचा खड़ा करेंगे जिससे रोजगार पैदा हो गाँव में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो हम बात हमने की अभी तक की नडेप का किया था, नडेप खाद, फिर हमने किया था वर्मी कंपोस्ट। ये दो है खाद तैयार करने की तकनीक। अब इसमें एक तीसरा एलिमेंट जुड़ता है, वो जुड़ता है संजीवक। कुछ लोग इसको जीवामृत भी बोल देते हैं, कुछ इसको गुड़ जल अमृत भी बोल देते हैं। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जीवामृत कॉमनली प्रसिद्ध है, नीति आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे जीवामृत बनाने का क्या फॉर्मूला है वो दिया जाता है, जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद है उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर फार्मूला पता चलता है। इसमें गोबर चाहिए, पशुओं का मूत्र चाहिए, थोड़ा सा 1 किलो गुड़ जैसे 2 लीटर 200 लीटर के लिए, 1 किलो बेसन चाहिए या कोई भी दाल का आटा चाहिए, खेत की मिट्टी चाहिए, तो वो जीवामृत बन जाता है। ये संजीवक जीवामृत क्या है, इसकी टेक्निकल जानकारी बहुत सारे किसान माहिर जो है वो देते रहते हैं, आप लाखों वीडियो इसके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, सर्च कर सकते हैं कि इस शब्द से जो जीवामृत है या संजीवक है ये अपने आप में गुड़ जल अमृत है। तो ये एक अमृत है एक तरह का, इसमें ऐसा जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में होने चाहिए, जो स्वस्थ मिट्टी है उसमें होने चाहिए, वही जीवाणु जो है वो मिट्टी में मौजूद खाद को इस्तेमाल करते हैं, हवा से नाइट्रोजन लेके फिक्स करते हैं, अलग अलग तरह के जीवाणु जो काम करते हैं। तो ऐसी तरह का जैसे इंडस्ट्रीज का एक प्रोडक्ट आया था जो शायद पूसा यूनिवर्सिटी ने तैयार किया था जिसको VSD कंपोजर बोला जाता है, तो ये वही चीज़ है कि मिट्टी में जीवाणुओं की क्रिया जो है वो बढ़ाई जाए ताकि जो आम पराली है जैसे अभी आग लगाने या खेत में उसको मल्चिंग कर देंगे या उसको मिट्टी में मिला देंगे तो वो कैसे उसको गालना है, तो यूनिवर्सिटी की स्टडी है कि उसके लिए मिट्टी में जो मौजूद बैक्टीरिया हैं वही सबसे बढ़िया क्रियाशील होते हैं, वही सबसे बढ़िया
उसको गालने में सहयोग करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये वही खेत के जो जीवाणु है उसको जल्दी मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है। तो इसके लिए जो है 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर ये एक पिट जो है, ये पिट बनाने के लिए इसमें सुविधा है कि आप खेत में बना सकते हो या घर में बना सकते हो। तो ये दो हो गए, ये पराली से खाद बनाने के लिए, ये गोबर से खाद बनाने के लिए, ये हो गया आपका गोबर मूत्र, ये दोनों से। गोबर का तो बहुत इस्तेमाल होता है लेकिन पशुओं का मूत्र जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है, वो गांव के जो तालाब है टोबे हैं तो उसमें वो चला जाता है, वो 100% हमारा वेस्ट होता है। तो इसी को साथ में एक सुविधा है जो पशुपालन शेड है, पशुपालन शेड के लिए किसानों को 96,223 रुपए की सुविधा भी शायद चेंज हो गया, जिसमें से 19,526 रुपए तो आपकी दिहाड़ी है और 76,697 उसमें सामान का है। तो जिस भी किसान को, जहां मजदूर है, जिसके घर में जगह है, जो अपने 6-7 पशु है, वो पशुपालन शेड बनाना चाहता है तो उसको 20,000 की तो दिहाड़ी मिलेगी। मतलब वो एक नहीं हो सकता उसमें 2 या 3 मजदूर लगे, और 76,000 जो मटेरियल है वो उसमें आता है। इसमें कहीं को दिक्कत भी आती है कि मटेरियल के पैसे कैसे है, तो आप अपने अधिकारियों से बात कर सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो बने हुए हैं, मैं शेयर भी कर दूंगा लिंक, कि कैसे जो है आप इसके पैसे जो है आसानी से ले सकते हैं। तो इस पशु शेड के साथ क्या होता है कि आपको एक फर्श डाला जाता है नीचे पशुओं के लिए, ताकि गंदगी ना वहां पे रहे, सफाई अच्छे से हो सके। जो पशुओं की पंजाबी में तो हम खुरली बोलते हैं, जिसमें उन्होंने चारा डालना होता है वो बनाना होता है, उसके ऊपर छत बनानी होती है। तो ये सैनिटेशन के लिए होता है कि पशुओं का चारा जो है कि उसमें गोबर मूत्र मिक्स ना हो जाए खुले में, अगर हो नीचे पक्का हो, उनको बीमारियां नहीं लगे तो पशु स्वस्थ रहें। तो ये जो है आप 6 से 7 पशु अगर रखना चाहते तो उसके लिए शेड बन जाएगा, और इसी पशुपालक शेड में एक पिट बनता है। ये पिट होता है जो आपका मूत्र है, पशुओं का जो मूत्र है, पशु का मूत्र इकट्ठा करने के लिए। तो उसके लिए वही सेम साइज का पेट बनता है। तो संजीवक के लिए पेट मिल गया, जिसमें आपने वो जीव अमृत संजीवक तैयार करना है, और पशुओं का मूत्र जो है वो बजाय की नालियों में जाए, गांव की बजाय की वो तालाब में जाके वहां पे वेस्ट हो जाए, तो वो आप इसको इसको एक पेट में आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो वहां आपका मूत्र इकट्ठा हो जाएगा, उसको ले जाके आप ये जो संजीवक पिट है इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक पशुओं के लिए जो शेड है वो बन जाएगा, मूत्र इकट्ठा हो जाएगा, उससे खाद बन जाएगी। तो किसान जो है उसके खेतों में जो सूक्ष्म जीव है, जो जैविक खेती का, कुदरती खेती का आधार है कि खेत में सूक्ष्म जीव होने चाहिए, उसमें मिट्टी लाइव होनी चाहिए, जिसकी वजह से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, सॉयल फर्टिलिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट आए, जीवाणु होंगे तभी वो खाद हुआ है वो पैदा कर सकेंगे। तो उसके लिए ये दोष जो है आपस में मिले हुए हैं, एक पशुपालन शेड आपका पशुओं का हो गया, उसमें अब उसका गोबर वहां से निकालना आसान हो जाएगा, मूत्र जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, वो भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो पशु मूत्र जो है उसका लगभग 100% आज की डेट में वेट है। गोबर तो सारे का सारा इस्तेमाल हो जाता है लेकिन जो मूत्र है वो इस्तेमाल नहीं होता। मूत्र में आपके बहुत से जो है ऐसे खुराकी तत्व होते हैं जो डायरेक्टली फसल को अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये मनरेगा में मेजर जो है ये 3 चीज, नैडेप, वर्मिंग कंपोस्ट और संजीवक, ये ऑर्गेनिक के लिए सबसे बढ़िया। कि इसको अगर आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे पंजाब में पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन है, वो ड्रम दे रहे हैं प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक के ड्रम लेने की क्या जरूरत है? तो उसमें आपको ये मनरेगा में से करवाया जा सकता है कि एग्री एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ये करे कि मनरेगा में किसानों को वो एक पिट दे रहे हैं, छोटा सा वर्मी कंपोस्ट का पिट, कि मनरेगा के साथ जुड़ के, जिसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं, तो कन्वर्जेंस में हो सकता है कि किसानों के गांव में जाके वहां पे उसका प्रोजेक्ट लिखें उनके लिए कि हाँ हमने इसको देना है, मनरेगा स्कीम के देना है। एक सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि पंजाब एग्रो को ये अथॉरिटी दे कि वो मनरेगा में के जो फंड है उससे इस्तेमाल करें, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के पास फंड जो है उसका क्रंच होता है कि एक लिमिटेड जो सप्लाई है वहां तक आता है। तो जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट के लिए बताया था कि उसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को कन्वर्जेंस किया जा सकता है, ऐसे ही जो वर्मी कंपोस्ट और ये संजीवक हैं ये बनाने के लिए
पंजाब एग्रो जो है वो मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस कर सकते हैं, तो किसानों को ये सुविधा मिल सकती है। और चौथा जो इसके साथ एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं अजोला। अजोला सबको पता ही है कि वे पानी में एक काई होती है, फंगस होती है। ये अजोला दो काम आता है, तो एक तो होती है ये पशु खुराक और दूसरा होता है ये खाद। तो ये नाइट्रोजन भरपूर होता है, तो इसमें क्या है कि बहुत छोटी सी जगह पे आप ये पानी डाल दिया, उसमें ये खाद डाल दिया आपने, थोड़ा सा काई है जी, अपने आप मल्टीप्लाई होती जाती है, एक तरह की ये वनस्पति आप कह सकते हो पानी में उगने वाली है। तो इसका आप पशु खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पशुपालन शेड मिल गया, यहाँ से खुराक भी मिल गया, बहुत अच्छा ये नाइट्रोजन का सोर्स होता है। जो ऑर्गेनिक खेती में पैदावार कम होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि फसल को प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं मिलती। तो ये सारी खाद जो है इतने तरीके मनरेगा में दिए गए हैं, इससे बड़ी योजना पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है जो ऑर्गेनिक खेती के लिए है। और 100% इसमें ग्रांट मिलती है, किसान के पास उसको ढांचा मिल जाएगा, उसको 8 या 10 हज़ार रुपये का वो ढांचा मिल जाएगा, तो वो इनकरेज होगा। तो बहुत सारे किसान अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन बाकियों को ये सारा कुछ किया जा सकता है। फिर से ये ATM स्कीम है, आपको 30 नवंबर तक स्पेशल ग्राम सभा बुला के इसका मता पास करना पड़ेगा। तो उसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि हमारे गाँव में 50 नडे पिट चाहिए, 50 वर्मी कंपोस्ट चाहिए, 100 जो है संजीवक के पिट चाहिए, गांव में अगर 40 है उनको ये पशु शेड चाहिए, और गांव में 50 जो है हमें अजोला के पिट वो चाहिए। तो उतना आपको मता में लिखना है कि हमारा ये गांव है, कैसे कैसे मता लिखना है आपको, जो आपका बताया था कि GRS है, ग्राम रोजगार सहायक, आप उनकी सहायता ले सकते हो। आप APO होते हैं अमेरिका ब्लॉक लेवल पे मनरेगा के अधिकारी, आप BDPO के पास जाके जानकारी ले सकते हैं, आप ADC डेवलपमेंट या DC के पास जाके जानकारी ले सकते हैं लोक संपर्क विभाग में। तो ये सारी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए, मता पास करना है 30 नवंबर तक, आज 5 नवंबर है, 25 दिन अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं। तो जितने किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो शुरुआत कैसे करें, तो खाद पहली चीज़ है जो उनको चाहिए, बाकी की चीज़ें धीरे धीरे आती जाएंगी। आप बीज पैदा करना भी हम सिखा रहे हैं, तो बीज भी आपके पास धीरे धीरे आते जाएंगे, लेकिन पैदावार कम नहीं हो उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ जो है वो खाद है। तो उस खाद की सुविधा के लिए आपको मनरेगा स्कीम में जितनी सुविधाएं हैं वो आप अगर लेंगे, तो ये 100% ग्रांट है और उसमें कोई लिमिट नहीं है। आपने 1 साल में 50 किए हैं, तो मान लीजिए अक्टूबर तक आपने, 1 अप्रैल से शुरू होकर 50 आपने बना लिए, आपको और चाहिए आप और ले सकते हैं। मनरेगा अनलिमिटेड फंड है, मनरेगा में कोई ऐसा नहीं है कि इसमें इतने फंड है उसमें से दिया जाएगा। और ये ATM स्कीम है, आपको डालना है कि मुझे ये चाहिए, सरकार उतने आपको फंड देगी। इस तरीके से सिस्टम नीचे से ऊपर तक चलता है, ना कि ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तब तक तब होता है कि हमने कुछ ना कुछ फंड देने होते हैं, किसी पंचायत ने ये काम किया नहीं होता है, तब वो होते हैं कि हाँ इस काम के लिए जो है आपके पास आया है। तो जितने भी अभी तक हमने बताए हैं कि मंडीकरण, स्टोरेज, प्रोसेसिंग के लिए आपको शेड चाहिए, वर्किंग शेड चाहिए, आपको हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस उसको सुखाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, मक्की सुखाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, मिर्च सुखाने के लिए, हल्दी सुखाने के लिए चाहिए, वो भी मनरेगा में है। स्टोरेज के लिए आपको गाँव लेवल पे स्टोरेज बनानी है, वो सुविधा मनरेगा में है। और जैविक खेती के लिए सबसे बड़ी जो है, हम सब्सिडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ग्रांट की, 100% की आपको पैसे मिलने हैं। और सबसे बड़ा काम जो है, सबसे बड़ी जो जरूरत है ऑर्गेनिक की प्रमोशन के लिए, खाद बनाने के लिए। तो इतनी सारी सुविधाएं मनरेगा में उपलब्ध हैं, आप ग्राम सभा बुला के इसका शुरुआत कीजिए। तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, मनरेगा की वेबसाइट पे जाइए, बहुत से स्टेट्स में ये काम हो रहा है, तो पंजाब में भी ये काम होना चाहिए। धन्यवाद।